हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर कोई अंतरिक्ष को खरीदना चाहे तो उसे कितना पैसा चुकाना पड़ सकता है। शॉर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष की असली कीमत कितनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अक्टूबर 1957, ये वो दिन था जब हम इंसानों ने सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में भेजकर स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ एक नए सिरे से सबसे पहला कदम उठाया। और उसके बाद से लेकर आज तक ना जाने कितना पैसा और समय हमने अंतरिक्ष को ढंग से ने और खोजने में लगा दिया। लेकिन बढ़ते समय में ये सब करना तो हमारी आवश्यकता ही थी, नहीं तो आज हम इतने टेक्नोलॉजीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स एक्सेट्रा के बारे में कभी जान ही नहीं पाते। पर आज हम इस स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक ऐसे दौर में जाने वाले हैं जहां हम इसके रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके खुद इसी के माध्यम से बड़ी भारी संख्या में पैसा छापने लगेंगे, या यूं कहें कि आज हम अंतरिक्ष की कीमत लगाने वाले हैं। तो जिस प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है स्पेस माइनिंग। स्पेस माइनिंग का मतलब स्पेस या अंतरिक्ष में मौजूद चीजों जैसे कि एस्ट्रॉइड्स को माइन करके और फिर एक्सट्रैक्शन द्वारा उनके कई वैल्यूएबल रिसोर्सेस को पैदा करना। आपको शायद ये पता ना हो कि अभी तक की गई स्पेस एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के द्वारा इस बात का काफी हद तक पता लगाया जा चुका है कि स्पेस में मौजूद एस्ट्रॉइड्स किसी बहुत बड़े खजाने से कम नहीं है। इनमें मौजूद एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट और यहाँ तक कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं कि उनकी कीमत कई ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कई सारी स्पेस एजेंसीज अब आने वाले समय में स्पेस या एस्ट्रॉइड माइनिंग को लेकर काफी सीरियस और हाई इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। स्पेस कंपनीज जो एस्ट्रॉइड्स और उनमें मौजूद एलिमेंट्स को लेकर स्टडीज और टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही है, उनकी माने तो हमारे अर्थ ऑर्बिट में लगभग 16,000 एस्ट्रॉइड्स का पता लगाया जा चुका है, जिनमें प्लेटिनम, निकल जैसे एलिमेंट्स इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद है कि आप सोच भी नहीं सकते। एस्टिमेट्स की माने तो कुछ एस्ट्रॉइड्स में इतना प्लेटिनम मौजूद है कि इसकी मात्रा अभी तक के मानव इतिहास में की गई प्लेटिनम माइनिंग से कई गुना ज्यादा है और इसकी मार्केट वैल्यू कई बिलियन डॉलर्स में बताई गई है। यही नहीं, अभी और सुनिए, कई एस्ट्रॉइड्स में तो आयरन, निकल और कोबाल्ट की मात्रा इतनी ज्यादा है कि आने वाले 3000 सालों तक पृथ्वी की बहुत सी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। 16 साइकी 3554 MNNEA कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो निकल एलिमेंट से इतने भरे पड़े हैं कि इनकी वैल्यू 1000 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। प्लेनेटरी रिसोर्सेस कंपनी की माने तो इन अर्थ ऑर्बिट एस्ट्रॉइड्स में मिनरल्स के अलावा 2 ट्रिलियन टन पानी भी मौजूद है, जो हालांकि पृथ्वी तक तो नहीं लाया जा सकता पर स्पेस मिशंस और स्पेस कॉलोनाइजेशन में हमारी जरूरतों को आराम से पूरा कर सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के दौरान इस स्पेस वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदलकर इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल हम स्पेस क्राफ्ट के रॉकेट फ्यूल के रूप में कर सकते हैं, जो आने वाले समय में कई स्पेस मिशंस में काफी किफायती साबित हो सकता है। नासा ने जो स्पेस वर्थ का एस्टिमेट निकाला है उसके मुताबिक एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद इस पूरे खजाने की कीमत 700 क्विंटिलियन डॉलर तक हो सकता है, जिसे अगर दुनिया के हर इंसान में बांटा जाए तो हर एक के खाते में लगभग 100 बिलियन डॉलर अमाउंट आएगा। ये फैक्ट वाकई में हैरान कर देने वाला और नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि शायद ही किसी ने इतने बड़े अमाउंट के बारे में कभी सुना होगा। यही नहीं, चंद्रमा की सतह पर भी कई तरह के एलिमेंट्स जैसे टिटानियम, आयरन और एल्यूमिनियम भी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। एक एस्टिमेट के मुताबिक रिसोर्सेज के आधार पर हमारे चंद्रमा की टोटल वैल्यू 150 से 500 क्विंट्रिलियन डॉलर तक बताई गई है, जो वाकई में बहुत ही बड़ा अमाउंट है। हालांकि दोस्तों, स्पेस या एस्ट्रॉइड माइनिंग कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कई सारे चैलेंजेस है जिसके लिए फिलहाल तो हमें टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अंतरिक्ष की कीमत की जानकारी? उम्मीद है आप पक्का हैरान रह गए होंगे कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा भी हो सकती है। वास्तव में अंतरिक्ष है ही इतना अजीब कि ये सबको पागल कर दे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।